हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। ये देखिए साइप्रस वाइन अभी भी मेरे खिल रहे हैं अच्छे से। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होगे, बहुत मस्त होगे, अपने अपने फेवरेट कामों में व्यस्त भी होगे। तो चलिए देखते हैं कि जो प्लांट्स हमारे डोरमेंसी में जा चुके हैं वो भी देखिए, थोड़ा आप केयर करिए और सही लोकेशन दीजिए उनको, तो अपने डोरमेंसी पीरियड में भी वो बहुत हेल्दी और बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत सुंदर सी ग्रीनरी ऐड करते हैं आपके गार्डन में। ये देखिए, ये सिंगोनियम है। ये देखिए ये कितना लंबा हो गया है, कटिंग से ही लगा। और ये इसका डोरमेंसी पीरियड है, लेकिन देखिए कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सब इनका भी रेस्टिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन देखिए छज्जे के नीचे रख देने से इनको ब्राइट लाइट भी मिल रही है। और ये देखिए मिट्टी एकदम, देखिए आज मैं इसको या तो कोई दाल चावल का पानी पतला करके दे दूँगी या सिंपल पानी भी दे दूँगी, पर ये देखिए मिट्टी देखिए एकदम हार्ड हो गई है। तो मिट्टी चेक करके आप पानी दीजिए, तो ये अपने डोरमेंसी पीरियड में भी आपके गार्डन में खूबसूरती बिखेरते हैं। ये देखिए, ये वांडरिंग जीव का भी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, लेकिन इसको भी छज्जे के नीचे रखी हूँ, इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिल रही है। और बिल्कुल मिट्टी सूखने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी, यानी इनके मिट्टी में मॉइस्चर बना के मैं रखती हूँ। देखिए कितने हेल्दी लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है क्या ये डोरमेंसी पीरियड में चल रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये मनी प्लांट है। इसमें डस्ट ज़रूर दिखेंगे आपको क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है, पर प्लांट कितना हेल्दी सा है देखिए। तो सही लोकेशन दीजिए, सही देखभाल दीजिए, तो ये अपने डोरमेंसी पीरियड में भी अपनी रंगत बिखेरना नहीं छोड़ते। इनमें डस्ट ज़रूर दिख रहा है देखिए एकोलियस में, लेकिन कितने हेल्दी से प्लांट हैं। और ये तो खैर धुल जाएंगे जैसे ही मेरा काम पूरा फिनिश हो जाएगा। तो बस यही मैं दिखा रही हूँ आपको कि जो भी प्लांट, जितने भी इंडोर प्लांट हैं सभी हमारे अभी डोरमेंसी में जा चुके हैं, लेकिन सही लोकेशन दिया जाए तो अभी भी वो उतने ही ब्यूटीफुल, उतने ही खूबसूरत लगेंगे। देखिए इनकी पत्तियाँ, देखिए ये देखिए, ये सब डोरमेंसी वाले प्लांट हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मैक्सिकन पिटूनिया, इनको थोड़े से इधर मैं किनारे ला के रख दी हूँ और इनमें पानी देती रहती हूँ। इनकी भी पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। तो भी किसी भी प्लांट की तरफ से अपना ध्यान हटाइए नहीं, बारी बारी से सबके टाइम आते रहते हैं, दिन महीने साल गुजरते रहते हैं। मैं पहले भी बोली उसमें टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, ये कनेर देखिए, ये भी डोरमेंसी पीरियड में चल रहा है। ये देखिए, ये देसी हिबिस्कस, ये जेट्रूफा, इन सब का सीजन कब आता है? फरवरी में। ये फरवरी में अपने फुल फॉर्म में आते हैं और अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देखरेख आप करते रहें तो पूरे साल इनसे आप फ्लारिंग ले सकते हैं। और ये कभी भी अनहेल्दी से नहीं लगते। ये देखिए, इस प्लांट का मेरे को नाम भी नहीं पता, और इसकी ये बर्ड्स बहुत टाइम से बने हैं, फूल खिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, पता नहीं किस तरह के फूल खिलेंगे, पर देखते हैं। साथ के साथ ये भी दिखाऊं मैं कि मेरे टमाटर जो मैं छोटी छोटी सैपलिंग इसमें लगा दी थी
इतने हेल्दी से ग्रो हो गए। छोटी सी स्टिक लगा दी थी, अब देखिए अब इसी टैंक में इतनी अच्छी मिट्टी बना के मैंने इनको लगाई है कि जब तक बड़े होंगे नीचे बचे खुचे जो भी कचरे हैं वो सब डीकम्पोस्ट हो जाएंगे, तो बहुत हेल्दी ग्रो हो रहे हैं, देख रहे देख लीजिए आप। और इधर ये डहलिया मैंने लगा दिया था, ये भी लग गया है ये, और ये देखिए पत्तियों को मैं कलेक्ट करके रखती हूँ, कभी नहीं फेंकती। ये बहुत सुंदर सी इसकी खाद बनने वाली है, देखिए ये ब्लैक गोल्ड बनने वाला है, तो इसके भी मैं दर्शन करा दूँ। हमारे जो प्लांट्स होते हैं बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं होते हैं, जो परमानेंट होते हैं वो तो बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा भी आप उनमें हाथ फेर दीजिए वो खुश हो जाते हैं, देखिए हैप्पी। पर एक बार एक राउंड आके ज़रूर आप इनसे मिलिए, इन पे हाथ फेरिए, उसका फ़र्क आप अलग ही देखिएगा। तो बस फ्रेंड आज की यही थी मेरी शेयरिंग छोटी सी। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, और बस ध्यान रखें अपना और अपनों का ढेर सारा, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने फेवरेट कामों में व्यस्त रहें। तो ओके फ्रेंड, बाय।